Good evening, everyone, and welcome to the class. So, आज इस हफ्ते का लास्ट क्लास है और गुड इवनिंग जस्मीन. आज लास्ट क्लास है एंड आई विल फिनिश दिस पार्ट. कैलकुलेशन का जो ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स है उसमें हमने ऑलरेडी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन ये सब ऑलरेडी कर लिया था. बेस मेथड भी हमने कर लिया था. ठीक है, तो बेस मेथड अगर आपने नहीं देखा है तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख लेना. रिकॉर्डेड क्लास डाल दिया था कैलकुलेशन का, दोनों क्लास, तो उसमें से आप देख लेना. ग्रुप में ही है क्लास. ठीक है, तो आज मैं बेस मेथड एक बार मैं रिपीट कर दूंगा बेस मेथड. फिर बेस मेथड का जो मेन एप्लीकेशन है वो हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, बेस मेथड का मेन एप्लीकेशन पढ़ेंगे. स्क्वायर स्क्वायर रूट निकालना पड़ेंगे, क्यूब रूट निकालना पड़ेंगे. और फिर मैं आपको एक टास्क दूंगा, दो 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 तीन टास्क है, वो आप लोग घर में खुद से कर लेना. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास. आज एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि मेरा फोन कनेक्ट नहीं हुआ, तो आपको जो भी बोलना है आप उसमें बोलिए. मतलब थोड़ा कोशिश करो आज के लिए सिर्फ माइक माइक में बोलने को. ठीक है, कुछ डाउट होता है तो माइक में बोल दो एक बार, फिर मैं समझ जाऊंगा कि आपको क्या डाउट है. ओके, तो लास्ट क्लास में हमने बेस मेथड ऑलरेडी पढ़ लिया था कि बेस मेथड कैसे निकालते हैं, बेस से कैसे निकालते हैं किसी नंबर का मल्टीप्लीकेशन, हाउ टू फाइंड यूजिंग द बेस मेथड. तो बेस मेथड मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ कि बेस मेथड में हमने क्या किया था. जैसे कि मान लो बेस मेथड में कोई भी नंबर, बेस मतलब, बेस का मतलब होता है 100. 100 इज द बेस. जैसे कि 103 मल्टीप्लाइड बाई 109, ऐसा अगर मल्टीप्लीकेशन होता है जहां पर दोनों नंबर 100 के पास है, 100 के पास होने से ही हुआ, मतलब अगर दोनों नंबर 100 के आसपास है तब हम बेस मेथड यूज करेंगे. क्या करना है देख लो, ये 103 को देखो, ये 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से 3 ज्यादा है. ये 109 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से 9 ज्यादा है. 103 100 से 3 ज्यादा है, 109 100 से 9 ज्यादा है. आप 103 में 9 ऐड कीजिए या 109 में 3 ऐड कीजिए, 103 में 9 या 109 में 3, आंसर आपका 112 ही आएगा. 112 लिखो, डबल जीरो लगाओ. डबल जीरो क्यों लगाना है, क्योंकि बेस मेथड है, 100 है इसीलिए डबल जीरो. फिर क्या करो, 3 × 9 करो, 3 × 9 इज 27. फिर आप तीनों को ऐड कर, दोनों को ऐड कर दो, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 7. क्लियर है ये तो क्या था ना लास्ट क्लास में, देख लो एक बार. क्लियर है ना ये? यस सर. यस सर. तो बेस मेथड में जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ. 104 मल्टीप्लाइड बाय 96, सपोज 104 96, ये 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है. ये 100 से कितना कम है, 4 कम है. तो आप 104 में 4 माइनस कीजिए या फिर 96 में 4 ऐड कीजिए, क्रॉस करना है. ठीक है, 104 में 4 माइनस या 96 में 4 ऐड, आपका आंसर 100 ही आएगा. 100 लिखा, फिर बेस मेथड है तो रूल के हिसाब से आपको 20 लिखना पड़ेगा, 20 लिखा. ठीक है, फिर 4 × −4, 4 × −4 कितना होता है बताइए? 0. नहीं नहीं, 4 × −4 मल्टीप्लिकेशन, -16. हाँ, -16. ठीक है, -16 होता है, तो यहाँ पे आप -16 करो. ठीक है, फिर साइन को कंसीडर करना है, 4 × −4 -16. 10,000 -16 मतलब 9,984, ये आपका. ठीक है, ओके. फिर हम लोगों ने और एक चीज सीखा था कि बेस मेथड में 200, तो 200 वाला मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि वो इतना यूजफुल नहीं है. यूजफुल जो है वो है 50 वाला, बेस 50. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आपका दोनों नंबर 50 के पास रहेगा ना, जैसे कि मान लो 56 मल्टीप्लाइड बाई 47, ये जैसे ये मल्टीप्लीकेशन है, तब आपको क्या देखना है, ये 50 से कितना ज्यादा है. 100 ये 50 के पास है ना, तो 50 से कितना ज्यादा है, 50 से 6 ज्यादा है. ये 50 से कितना कम है, ये 50 से 3 कम है. आप 56 में 3 माइनस कीजिए या 47 में 6 ऐड कीजिए, क्रॉस करो, 47 प्लस 6 और 56 माइनस 3, आंसर 53 आएगा. लेकिन यहाँ पे आपको 53 नहीं लिखना है. कैन यू गेस, जिन लोगों ने लास्ट क्लास किया यहाँ पे क्या लिखना है? 53 नहीं लिखना है, तो क्या लिखना है?
करेक्ट। 53 का हाफ कितना होता है? 53 का हाफ ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फाइव 26.5। बढ़िया, ठीक है। यहाँ पे 56 माइनस 3 47 प्लस 6 53 आता है ना, बट हमको लिखना है 53 का हाफ। 53 का हाफ होता है 26.5। 26.5 लिखा, फिर नियम के हिसाब से दो जीरो लगाना है। आप मुझे अभी बताओ, अगर डेसिमल है तो मैं कितना जीरो लगाऊं? टेल मी। सर एक एक ही जीरो, वेरी गुड, एक ही जीरो लगेगा, करेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ क्योंकि पे सर नीचे दो, डेसिमल हाँ ऊपर चला एग्जैक्टली, जाएगा। यहाँ पे तो दो जीरो लगना चाहिए ना। मतलब दो जीरो का मतलब क्या है? मल्टीप्लाइड बाई 100 होता है। दो जीरो का मतलब मल्टीप्लाइड बाई 100। जब ये मल्टीप्लाई बाई 100 होगा तो डेसिमल एक प्लेस दो प्लेस, मतलब ये क्या होगा? 2650। आप नहीं समझने से मुझे पूछ लेना। 2650 आएगा। फिर सेम प्रोसेस, 6 × -3 कितना होता है? -18। -18 कर दो। 2650 माइनस 18 2632 ये आपका आंसर है। बताओ क्लियर हो कि नहीं, टेल मी। बोल दो एक बार। क्लियर सर। क्लियर है ना? निवेदिता, ये आप दोनों को समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है, आपको कुछ नहीं, इसमें कोई अलग चेंज नहीं है, बस जो नंबर उतरेगा वो हाफ उतरेगा, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को अगर समझ में आ गया तो आप मुझे इसका आंसर बताओ। 56 नहीं, 50 अलग नंबर लेते हैं। 54 × 59 टेल मी व्हाट विल बी द आंसर। अब लोग करो ना, एक मिनट एक मिनट। कितना आया आंसर इसका? थ्री वन वन फोर। ठीक है, देखते हैं। देखो ये वाला नंबर 50 से 4 ज्यादा है, ये वाला नंबर 50 से 9 ज्यादा है। आप 54 में 9 ऐड करो या 59 में 4 ऐड करो, 63 ही आएगा। बट 63 नहीं लिखना है, उसका हाफ। 63 का हाफ कितना होता है? 31.5। ठीक है, 31.5। लेकिन यहाँ पे 31.5 लिखेंगे, फिर दो जीरो लिखना है ना, तो दो जीरो मतलब 100 से मल्टीप्लाई, तो आप एक ही जीरो लिखो, 3150। तो ये हो गया 3150। फिर 4 × 9 36।
तो 3186, 3114 क्यों आएगा? 4 into 9 तो +36 होगा ना, प्लस होगा, माइनस क्यों किया? क्लियर है ना? अभी माइनस मत करो, अगर माइनस आता है तभी माइनस करो, उसमें 6 into -3 -18 होता है ना, इसीलिए माइनस किया। यहाँ पे तो प्लस होगा तो प्लस करो। ठीक है, ये जैसे ऑडिक, मैं आपको ऑडिक क्लास देता हूँ, इसलिए ट्राई करो। 48 into 57 बताओ कितना हो गया? टू सेवन थ्री सिक्स। ओके, देखो ये कितना है? देखो ये 50 से कितना कम है, ये 50 से दो कम है, ये 50 से सात ज्यादा है। 48 में 7 ऐड करो, 57 में 2 माइनस करो, 55 आएगा। बट 55 नहीं लिखना, इसका आधा लिखना है। इसका आधा कितना होता है? 55 का आधा होता है 27.5। ठीक है, 27.5। तो फिर आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, 2 0 मतलब 1 0 मतलब 2750। ठीक है, फिर 2 into -7 -14, तो 2 into -7 -14, तो 2750 -14, तो 2736। वेरी नाइस, आ गया ना समझ में? अभी तो आ गया शायद पूरा चीज समझ में। तो अभी देखो इसका एप्लीकेशन क्या है। अच्छा आप लोग मुझे बताओ, अभी आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग मुझे एक चीज बताओ कि आपको स्क्वायर कहाँ तक पता है, कितना नंबर तक का आपको स्क्वायर पता है, बोलो तो। कुछ पता है मतलब स्क्वायर कितना होता है, ये आइडिया है? जैसे 1 square 2 square 3 square 4 square 5 square 6 square, वो कितना तक पता है? 30 तक पता है ना? बहुत बढ़िया, 30 तक आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। ठीक है, 1 से ये आज का टास्क है। आप कल, कल संडे है, कल छुट्टी है, कल आज आप लोग, मैं आपको फोटो दे दूंगा अभी क्लास के बाद। 1 से 30 तक का आपको स्क्वायर याद करना है पूरा, मतलब याद मत करो अभी के लिए। एक काम करो, एक एक पेज लेना, उसमें 1 square 2 square 3 square 4 square 5 square पूरा स्टार्ट करके बिल्कुल 30 square तक लिख लेना। ठीक है, और उसको अपने, आपका जो भी स्टडी टेबल है ना, जहां पे भी आप लोग पढ़ते हैं, उसके साइड में चिपका देना। अभी याद करने का जरूरत नहीं, तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप वहां से देख लेना कि क्या है स्क्वायर, तो आपको धीरे 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 वो याद हो जाएगा। ठीक है, 1 से 30 तक का स्क्वायर जानना है, 1 से 20 तक का क्यूब जानना है, 1 से 25 तक का आपको टेबल जानना है। ठीक है, मैथ्स में इनिशियली कुछ कुछ चीज आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये उपाय नहीं है, मतलब उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इनिशियली आपको मैथ्स में कुछ कुछ चीज आपको सीखना ही पड़ेगा, मतलब तो वो आप सीख लेना। ठीक है, जैसे ये सब चीज, जैसे कि 1 से 30 तक का स्क्वायर आना चाहिए, 1 से 20 तक का क्यूब आना चाहिए, 1 से 25 का टेबल आना चाहिए। अभी मैंने आपको ये बोला कि 1 से 30 तक का ही स्क्वायर आना चाहिए, तो आप सोचेंगे सर 30 के बड़ा वाला नंबर जैसे 44 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो 44 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 44 का स्क्वायर हम निकालेंगे इसी मेथड से, बेस मेथड से। इसीलिए मैंने आपको बेस मेथड सिखाया कि स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे मैं आपको उसका स्टेप्स बता देता हूँ कैसे निकालना है। जैसे मान लो आपको 1 से 30 तक का स्क्वायर तो याद होना है। ठीक है, 1 से 30 तक का स्क्वायर आप याद कर लेना। आपको मान लो 37 का स्क्वायर निकालने बोला मैंने, सपोज 37 का कैसे निकालेंगे? आप देखो 37 जो नंबर है
वो 50 से कितना कम है, ये देखो 50 से कितना कम है, मुझे बताओ 50 से कितना कम है, 37। ये जो नंबर है वो 50 से कितना कम है, थर्टीन। 13 कम है ना, 50 से 13 कम है ना, 37 जो होता है वो 50 माइनस 13 होता है ना। तो आप 13 का स्क्वायर कीजिए, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। 169 में सिर्फ 69 लिखिए, 69 लिखा ठीक है, 1 का क्या करेंगे, 1 को कैरी ले लो ठीक है। 50 से कितना कम था, 13, इसी 13 को आप 25 से माइनस कर दो, 25 माइनस 13 कितना, 12, फिर मेरा 1 एक कैरी था ना, तो 12 प्लस 1 13 ठीक है, देख लो एक बार। और आया समझ में किसी को, थोड़ा बहुत तो आया होगा। 50 से वो नंबर जितना कम है उसी नंबर का स्क्वायर करो, उसका स्क्वायर को लिख दो, जो कैरी आता है उसको अलग करो, और फिर उसी नंबर को 25 से माइनस कर दो ठीक है, उसी नंबर को 25 से माइनस कर दो। मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूँ, धीरे धीरे आपको दिमाग में ये बैठ जाएगा। जैसे मान लो मैंने आपको 39 का स्क्वायर निकालने बोला, 39 जो नंबर है 50 से कितना कम है, आप बोलोगे ये 50 माइनस 11 है, तो 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर करो, 11 का स्क्वायर 121। देखो 11 का स्क्वायर आपको याद होना पड़ेगा, ये इसमें कंडीशन है कि आपको स्क्वायर 1 से 30 तक तो पता ही होना पड़ेगा, वो भी इससे निकल सकता है, लेकिन आप फंस जाओगे, ज्यादा जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ याद होना ही पड़ेगा, तो 1 से 30 तक आप याद कर लेना, बाकी सारा स्क्वायर हम ट्रिक से निकालेंगे ठीक है। 39 का स्क्वायर निकालना है, 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर 121, 121 में सिर्फ 21 लिखो, 1 को क्या करेंगे, 1 को कैरी ले लो। मैंने 50 से 11 माइनस किया था ना, नेक्स्ट टाइम आप 25 से 11 माइनस करो, 25 माइनस 11 कितना होता है, 14, 1 कैरी था 15। आया समझ में, आया ना समझ में, यस सर। आप एक काम करो, आज तो सब लोग गणेश पूजा में बिजी है, तो आज क्लास में कोई नहीं है ठीक, कोई बात नहीं, आप लोग 42 का स्क्वायर निकालो, टेल मी व्हाट इज द आंसर, 42 का स्क्वायर कितना होगा बताइए। वन सेवन सिक्स फोर, आपको याद है क्या या फिर कैलकुलेट किया है, याद है, अरे बढ़िया यार, आपने पहले पढ़ा है क्या कहीं से ये सब, पढ़ा है क्या ट्रिक्स वगैरह। जी सर, पहले एक बार किया था। मैथ्स में आपको कौन सा पार्ट में प्रॉब्लम होता है, सर बोटेल स्ट्रिंग, मतलब एरिथमेटिक में ना, एरिथमेटिक में ये सब क्लियर है, प्रॉफिट लॉस, फिर आपका रेशियो। हाँ सर, रेशियो में थोड़ा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी, मतलब सर सबसे ज्यादा बोटल स्ट्रीम में है, बाकी लगभग हो ही जाता है। ठीक है, बाकी लोग कैलकुलेट करो, 42 का स्क्वायर कैलकुलेट करो सर। नहीं, मैं बाकी तो लोगों को बोल रहा हूँ, 42 का स्क्वायर बताओ कितना होगा। आपने कभी एग्जाम दिया है क्या, बैंकिंग का एग्जाम, एनी टाइम बैंकिंग, एसएससी, कुछ भी? नहीं सर, बैंकिंग का दिया था सर, एसपीओ का। इस बार दिया था आईबीपीएस क्लर्क? नहीं सर, इस बार नहीं, वैसा प्रिपरेशन अभी तक हुआ ही नहीं सर। करो यार, बताओ इसका आंसर क्या होगा, 42 का स्क्वायर। पहले आप देखो ये जो 42 जो नंबर है 50 से कितना कम है, 50 से 8 कम है, 8 का स्क्वायर 64, ये इसी 8 को 25 से माइनस कर दो, 25 माइनस 8 17, बताओ 40, 47 का स्क्वायर बताओ।
मेरा लैपटॉप में ना बहुत कम चार्ज है और मेरे मैं चार्ज भी नहीं कर पाया, इसीलिए मैं क्लास स्टार्ट करने में डिले हुआ है। अगर ऐसा होता है थोड़ा वेट करना, ठीक है, मैं चार्जर अरेंज कर लूँगा। 47 का स्क्वायर बताइए। टू 209, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। 47 50 से कितना कम है? आप बोलोगे सर 3 कम है, 3 का स्क्वायर कितना? 9। 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन आप 09 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो लिखना है, एक एक नहीं लिखना है, दो लिखना है, दो डिजिट लिखना ही है, तो 09 लिखा। 50 से कितना कम है? 3 कम है ना, तो इसी 3 को आप 25 से माइनस कर दो, 22, ठीक है। आप मुझे 62 का स्क्वायर बताइए कितना होगा, ट्राई करो। सूरजीत, आपने ऑफलाइन सीखा है कि ऑनलाइन सीखा है ये सब? से यूट्यूब से देखा था। क्या हो गई? 38 3852। ओके, नहीं, गलत है यार, नहीं से वो रॉन्ग। फोर आएगा लास्ट में, जी सर, जी सर, टू का स्क्वायर फोर होता है ना, तो लास्ट में तो फोर ही आएगा। ओके, ठीक है, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। 3844, देखो ये कितना ज्यादा है, 50 से। आप बोलोगे सर कितना ज्यादा है, 50 से 12 ज्यादा है। 12 का स्क्वायर 144, 144 में सिर्फ दो ही लिखना है, 44 लिखो, वन रह जाएगा कैरी। कितना ज्यादा था? 12 ज्यादा था, इसी 12 को 25 में जोड़ दो, कितना होता है? 37, 37 वन कैरी था, 38। 65, 63 का स्क्वायर बताए, 69 का स्क्वायर बताइए, 69 का। इनिशियली मैथ्स में थोड़ा बोरिंग होता है क्योंकि ये सब सीखने का बहुत है, लेकिन एरिथमेटिक जब आ जाएगा ना तो बहुत इंटरेस्टिंग है, और मैं आपको रेशियो से ही सब कुछ सिखाऊंगा, एवरीथिंग, तब तो आपको इंटरेस्ट आएगा मैथ्स में, अलग टाइप का है वो, हमारा एलिमेंट्री मैथ्स नहीं है। कितना है भाई? 4761। हाँ, लास्ट में वन तो आएगा, ये तो पक्का बात है। और तीन तीन, हाँ करेक्ट, सही है सही है सही है, करेक्ट। आप लोगों को डाउट हो आने से कभी भी कुछ भी वो टेलीग्राम वाले चैनल में भेज देना, ठीक है? अच्छा, 4761, ठीक है। देखो वो 19 ज्यादा है, वो नंबर, ये वाला जो नंबर है 50 से 19 ज्यादा है, 19। 19 का स्क्वायर होता है 361, तो 61 लिख दो, 3 को हाथ में रखो, 19 ज्यादा है ना, तो 19 जोड़ दो किसमें? 25 में, 25 में 19 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 44, पर 3 कैरी था, 47। क्लियर है ना? आपको समझ में आ गया ना ये? देखो तो आप मुझे एक चीज बताओ, आप मुझे एक चीज दिमाग लगा के बताओ कि मैं इस मेथड से, अच्छा आप मुझे और एक स्क्वायर निकाल के बताओ, लास्ट लास्ट एक स्क्वायर निकालो, फिर इसको नेक्स्ट चीज में। 73 का स्क्वायर बताओ, ये हाथ में आ जाना चाहिए, तभी भी स्क्वायर आएगा क्वेश्चन में, इसी मेथड से करना है, ऑलवेज यूज द बेस मेथड, ये सबसे बेस्ट मेथड है। और एक मेथड है कि 7 को स्क्वायर करके 3 को स्क्वायर करके फिर 7 इंटू 3 करके
फिर ऐड कर देते हैं, वो भी वर्बली कर सकते हैं। लेकिन मुझे बेस मेथड ज्यादा पसंद है, बेस बेस मेथड ज्यादा अच्छा है। ये कितना है, 5329, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर होता है 529। हाँ तो लास्ट में तो 29 ही आएगा, और 23 48 50 53, करेक्ट, 5329 करेक्ट। बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए सिंपल है। देखो देखो, इसीलिए मैंने बोला कि ये जो नंबर है ये कितना ज्यादा है, 50 से 23 ज्यादा है। तो आपको 23 का स्क्वायर पता होना पड़ेगा, ठीक है। 23 का स्क्वायर, सॉरी, 23 का स्क्वायर होता है 520, ये तो पता होना है। अगर यही नहीं पता है तो आप निकालोगे कैसे? इसीलिए मैंने बोला 1 से 30 तक स्क्वायर याद कर लेना, ठीक है। बाकी सारा याद करने की जरूरत नहीं है, 1 से 30 तक करो, सारा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे, तो 23 का स्क्वायर 529 है, 23 का स्क्वायर 529, तो यहाँ में से 29 लिखो, 5 कैरी ले लो। 23 ज्यादा है ना, तो 25 में 23 ऐड कर दो, कितना होता है 48। फिर एक 5 कैरी था, 48 प्लस 5 53। आप मुझे एक चीज बताओ, अभी जैसे मैंने आपको बोला कि आपको 1 से 30 तक आपको स्क्वायर आना चाहिए, तो आप इस मेथड के हिसाब से कितना तक स्क्वायर निकाल सकते हैं? कैन यू टेल मी, दिमाग लगा के बोलो तो, कितना तक मैं यहाँ से स्क्वायर निकाल सकता हूँ, बोलो कौन से नंबर तक इस मेथड के हिसाब से? एट्टी, समझ में आया ना? 80 क्यों हो रहा है? इन और निवेदिता, आप दोनों को समझ में आ रहा है ना कि 80 80 क्यों बोला इसने, सूरजीत ने क्यों 80 बोला? नहीं आया समझ में क्यों 80 बोला? बोलो आया कि नहीं आया, बोल दो ना, आया ना बोल दो। सर टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता। नहीं सही बोला आपने, बाकी को 100 एज ए बेस लेना होगा, करेक्ट। तो आप तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, बहुत बढ़िया यार, सही बात है। 80 तक देखो क्यों, देखो देखो देखो, आपको अगर 1 से 30 तक स्क्वायर याद है, मतलब आप 50 से 30 ज्यादा नंबर तक निकाल सकते हैं कि नहीं, बोलो। ये ना आपको समझ में आ रहा है ना, 50 से 30 ज्यादा निकाल सकते हैं, तो 50 प्लस 30 कितना होता है, 80 होता है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है? जैसे जैसे मान लो 79 का स्क्वायर है, वो निकाल सकते हैं ना, क्योंकि वो 50 प्लस 29 है, तो 29 का स्क्वायर आपको पता है, तो आप 79 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी आप 30 का स्क्वायर तो छोड़ ही दो, 80 का स्क्वायर तो सबको पता है, 6400 होता है, ठीक है। नाउ आई गॉट इट, नाउ आई गॉट व्हाई इट इज 80। हाँ ठीक है, ठीक है, यही बात है, मतलब समझ में आ रहा है। जैसे जैसे 78 का पूछा मैंने, तो 50 प्लस 28 है ना, तो 28 का स्क्वायर अगर आपको पता है, तो आप 78 का स्क्वायर भी निकाल सकते हो इस मेथड से। तो मतलब मैं 50 से 80 तक निकाल, सॉरी, मैं इस मेथड से 31 से लेके 80 तक निकाल सकता हूँ। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो 1 से 30 तक तो आप याद कर लोगे, 1 से 30 तक आपको मेमोराइज करना है, ये तो कोई दूसरा उपाय नहीं है, ठीक है। 30 से लेके 80 तक इस मेथड से आ जाएगा, बेस बेस 50 मेथड से, और 80 से 100 तक किस में आएगा, कौन सा मेथड? 80 से 100 तक का स्क्वायर किस मेथड से निकालेंगे? हंड्रेड बेस, करेक्ट, बेस 100 मेथड से। अभी हमने बेस 100 सीखा था ना, उस मेथड से निकालेंगे, ठीक है। 80 से 100 का स्क्वायर हम बेस 100 से निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो 85 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर तो इजी है, 85 तो इजी नंबर है। 86 का स्क्वायर मान लो, तो बेस बेस मेथड से निकालो, 86 इनटू 86 कर दो, ये 14 कम है, ये भी 14 कम है, 14 14 माइनस माइनस करो 72 आएगा, डबल जीरो लगाओ, माइनस 14 196, तो 7396, ठीक है, बेस मेथड से निकाल लेंगे। आया ना आपको, आप तीनों को बात समझ में आ गया ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? आज से आप लोग, आज तो आप लोग पढ़ेंगे कि नहीं नहीं पता, जो भी है, मतलब कल तक याद कर लेना, ठीक है, स्क्वायर।
कल तक स्क्वायर याद करना है, करना ही है मतलब, क्योंकि मंडे को फिर से मैथ्स क्लास है। और देखो हम लोग सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे, फिर आपको स्क्वायर पता नहीं होगा, क्यूब पता नहीं होगा, तो आप बहुत ट्रबल में फेस करोगे, मतलब आपको लगेगा कि मैं कुछ और ही पढ़ रहा हूँ, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आराम से कर लेना, एटलीस्ट याद नहीं करने से भी उसमें लिख के रख देना, मैं उसको फोटो अभी क्लास के बाद भेज दूंगा, उसको बस अपने स्टडी टेबल में लिख लेना, उसको हर एक चीज एवरीथिंग आप लिख लेना, जो भी मैं भेजूंगा सब लिख लेना, ठीक है। अगर आपको टेबल शॉर्टकट से निकालना आता है तो ठीक है, जैसे मुझे, मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं, मुझे तो टेबल सिर्फ 13 या 12th तक ही पता है, उसके बाद मुझे टेबल नहीं आता है, 12th के बाद मुझे कुछ नहीं आता है मतलब, तो बट मेरा कैलकुलेशन बहुत फास्ट है। हाँ वो मैं कैलकुलेट करके निकाल लेता हूँ। अगर आपने मुझे 26 × 7 भी पूछ लिया ना, तो मैं आपको बहुत जल्दी बता दूंगा कि उसका आंसर 182 है, ठीक है, बट मुझे वो याद नहीं है, तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। अगर आपने मुझे 35 × 8, 35 × 7 भी पूछ लिया, तो मैं अभी आपको बहुत जल्दी बता सकता हूँ उसका आंसर 245 है, तो वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि तो अगर आप कैलकुलेशन आपका उतना तेज है तो आप स्किप कर सकते हैं टेबल, लेकिन मेरे हिसाब से टेबल सीख लेना चाहिए, ठीक है, टेबल सीख लेना चाहिए, सीख लो, और टेबल जानना भी जरूरी है, ठीक है, इम्प्रेसिव, कोई बात नहीं। नहीं मेरा कैलकुलेशन सच में बहुत फास्ट है, मतलब मैं बूस्ट बूस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कैलकुलेशन सच में बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है, तो इसलिए मैं, इसीलिए मैंने मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट किया, मतलब बाकी सब तो मैंने पढ़ा है, बट कैलकुलेशन इनिशियली, इनिशियल स्टेजेस से ही मतलब बहुत बहुत ही फास्ट था, मतलब इवन ऐसा भी होता है कि मैं इस बार जब जितना भी पेपर दिया ना प्रीलिम्स का, तो मैथ्स में मैंने सारा पेपर में फुल अटेम्प्ट ही किया है, मेरा हो जाता है, मतलब पीओ में नहीं होता है, पीओ में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन रह जाता है, बट क्लर्क में मैं सारा पेपर में 35 क्वेश्चन कर सकता हूँ, तो वो कैलकुलेशन की वजह से वो हो जाता है, ठीक है, तो वैसे होने से ठीक है, मतलब कैलकुलेशन, कैलकुलेशन अगर आपका स्ट्रांग है ना, तो आप दूसरों से बहुत आगे रहोगे, पता है, लॉजिक वॉजिक उतना काम नहीं आता है, कैलकुलेशन मेन होता है, पर्टिकुलरली स्पीड वाला एग्जाम में कैलकुलेशन मेन होता है सबसे ज्यादा। अब जितना जल्दी आप सोच सकते हो किस तरीके से एक किसी चीज को, रामानुजन नहीं, रामानुजन कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं, रामानुजन तो उसने तो खुद डिस्कवर किया था, हम लोग तो पढ़ ही रहे, कैलकुलेशन बहुत लोगों का फास्ट है यार, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बहुत लोग है जो लोग करते हैं फुल, जस्ट वन ऑफ देम, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, तो यही बात है कि आप ये कर लेना, मतलब ये जो बेस मेथड वगैरह जो भी है उसमें से आप समझ गए ना आप क्या बोल रहे हो, मतलब मैं डाइवर्ट हो गया थोड़ा, 1 से 30 तक आप मेमोराइज करना, 30 से 50 तक बेस यूज करना, 50 सॉरी 30 से 80 तक, 80 से 100 तक बेस 100 यूज कर लेना, और ये आप लोग, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत अच्छा मेथड है स्क्वायर निकालने का, ठीक है, क्लियर है मेरा बात, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चीज में, जो कि है, ओके ठीक है, नेक्स्ट चीज में चलेंगे जो कि है हमारा स्क्वायर रूट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्क्वायर रूट आपको पढ़ाऊंगा मैं, स्क्वायर रूट कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट, जैसे स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे कि मान लो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, तो आप बोलेंगे कि सर अभी इसमें आप रूट लगाओ, रूट ओवर 4 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर 16, दोनों साइड में मैंने रूट लगाया, कुछ नहीं किया, दोनों साइड में रूट लगाया, रूट ओवर 4 स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है रूट ओवर 4 स्क्वायर, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा मैंने उसका वैल्यू कितना होगा, 4 होगा, ये पता है ना आपको, रूट ओवर 4 क्यों क्यों होता है सूरजीत, बताओ रूट ओवर 4 स्क्वायर 4 क्यों हुआ, सर? क्योंकि सर रूट अंदर में 2 जो है वो रूट है, और सर वो तो नहीं पता, बस इतना पता है कि अंदर जब 2 होता है रूट होता है, तो वो रूट की वजह से वो 2 हट जाता है। रीजन ये है कि अगर मैं इसको रूट एक्स लिखता हूँ ना, रूट एक्स का मतलब होता है x² हाफ, ये पता है ना आप लोगों को, देखो रूट एक्स का मतलब, ये चीज जी पता था सर, आप लोगों को, ये पता यस सर, है ना, ये पता है ना, रूट एक्स का मतलब x² हाफ होता है, ठीक है। अभी मैं बोलूंगा कि सर आपने रूट एक्स लिखा, तो यहाँ पे अगर क्यूब रूट एक्स लिखूं, क्यूब रूट एक्स मतलब x³ 1/3 होता है, अगर मैं यहाँ पे फिफ्थ रूट एक्स लिखूंगा, फिफ्थ रूट एक्स मतलब x² 1/5 होता है, ठीक है, तो
रूट एक्स मतलब एक्स टू द पावर हाफ, तो यहाँ पे रूट फोर स्क्वायर मतलब फोर स्क्वायर टू द पावर हाफ इज इक्वल टू रूट 16। तो आप आपको ये चीज पता है, ए टू द पावर एक्स होल टू द पावर वाई इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स वाई होता है। ये तो सर्ट्स इंडिसेस बेसिक, ए टू द पावर एक्स होल टू द पावर वाई होता है ए टू द पावर एक्स वाई। तो जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो फोर टू द पावर टू इंटू हाफ होगा इज इक्वल टू रूट ओवर 16। तो आप अगर इसको काट देंगे ना तो ये फोर ही बचेगा, फोर इज इक्वल टू रूट 16। आया ना, अभी तो समझ में आ गया ये क्यों हो रहा है, क्लियर है ना ये चीज। हर एक चीज के पीछे क्यों होता है ना वो जानना जरूरी है मैथ्स में। आप अगर वहां तक अगर आप सोच पाओगे ना मैथ्स में, तो आपका मैथ्स ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। आप हर एक चीज क्यों होता है मैथ्स में पर्टिकुलर, क्योंकि रीजनिंग में तो कुछ जानने का जरूरत नहीं है, वो तो सिर्फ ब्रेन यूज करना है। बट मैथ्स में जानना चाहिए कि क्या चीज कहाँ से आया, मतलब उसका बैकग्राउंड क्या है। तब क्या होता है ना, तब आप एक ही क्वेश्चन को दो तीन टाइप से सॉल्व कर सकेंगे। और मैथ्स में वही जरूरी है, एक क्वेश्चन को आपको रेशियो से भी पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है, आपको उसको वेरिएबल लेके भी पता होना चाहिए वो कैसे सॉल्व करना है, दोनों तरीका आना चाहिए। ठीक है, तब जाके मैथ्स डेवलप होता है, तब मैथ्स देखना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये रीजन है कि ये है। ठीक है, तो अभी मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि स्क्वायर रूट क्या चीज है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ जो मैंने लिखा है, आप लोग लिख लो, नहीं तो अगर नहीं लिखा है तो लिख लो, नहीं तो पीडीएफ पीडीएफ से देख लेना बाद में। तो मतलब जैसे 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो मतलब 25 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 5 होगा। ठीक है, तो मैं अभी कुछ कुछ नंबर का स्क्वायर लिखूंगा, आप अच्छे से देखो। और आप देखो, जस्ट अभी देखो, जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है 100। फिर मैं आता हूँ 11, 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर होता है 324, 19 का स्क्वायर होता है 361, 20 का स्क्वायर होता है 400, 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का स्क्वायर होता है 484, 23 का स्क्वायर होता है 529, 24 का स्क्वायर होता है 576, 25 का स्क्वायर होता है 625, 26 का स्क्वायर होता है 676, 27 का स्क्वायर होता है 729, 28 का स्क्वायर होता है 784, 29 का स्क्वायर होता है 841, 30 का स्क्वायर होता है 900। ठीक है, तो ये हो गया 1 से 30 तक का स्क्वायर जो आपको याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्क्वायर में एक पैटर्न है, आप जब भी स्क्वायर निकाल रहे हैं ना तो देखो स्क्वायर में एक पैटर्न है, वो पैटर्न क्या है वो देखिए। देखो कोई भी नंबर अगर 1 है उसका स्क्वायर हमेशा 1 में खत्म हो रहा है। देखो 1 का स्क्वायर 1 में, 11 का स्क्वायर भी 1 में, 21 का स्क्वायर भी 1 में, 31 का स्क्वायर भी 1 में, 41 का स्क्वायर भी 1 में, 51 का स्क्वायर, हर अगर लास्ट में 1 है तो उसका स्क्वायर में भी 1 होगा। ठीक है, 1 के साथ और एक नंबर है जिसका स्क्वायर 1 में खत्म होता है, आप देख के बताओ कौन सा नंबर है। 1 के साथ और एक नंबर है जिसका स्क्वायर 1 में खत्म होता है, 9। करेक्ट, देखो अब देखो 9 का स्क्वायर, देखो 9 का स्क्वायर 81 है, 19 का स्क्वायर 361 है, 29 का स्क्वायर 841। ठीक है, 9 का स्क्वायर 91 है, 81 है, 19 का स्क्वायर 361 है, 29 का स्क्वायर 841। तो ऐसा 9 भी एक नंबर है जिसका स्क्वायर 1 में खत्म होता है। ठीक है, तो अगर मैंने किसी दिन आपको कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालने दिया, जैसे कि मान लो मैंने आपको दिया कि आप इस नंबर का स्क्वायर बताओ, मुझे स्क्वायर फॉर्म करने दो, एक सेकेंड। तो आप यहाँ पे इसी चीज में कंफ्यूज होंगे कि सर इस नंबर का जो स्क्वायर रूट है
उसका यूनिट डिजिट 1 होगा या 9 होगा, यस और नो बोलो। तो ये बात आपको समझ में आए कि नहीं बताओ, आप मुझे ये बताओ। अगर मैंने आपको 5041 का रूट निकालने दिया तो आप इसी चीज में कंफ्यूज होंगे कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो 1 में खत्म होगा या 9 में खत्म होगा, क्योंकि भाई 1 का स्क्वायर भी 1 है, 9 का स्क्वायर भी 1 है, तो आप कैसे बताओगे कि कौन सा स्क्वायर रूट है? ये बात आपको समझ में आया कि नहीं, आप मुझे पहले ये बताओ। ये बात समझ में आ गया? बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ठीक है ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन आएगा कि इसका जो यूनिट डिजिट है वो 1 होगा भाई या फिर 9 होगा। ठीक है, तो अभी ऐसा कंफ्यूजन, जैसे मुझे 1, मुझे जैसे ऐसा कंफ्यूजन आया मुझे 1 और 9 में लेके, मुझे सेम कंफ्यूजन आएगा 2 और 8 में लेके, है कि नहीं? देखो 2 का स्क्वायर भी 4 में खत्म होता है, 8 का स्क्वायर भी 4 में, 12 का स्क्वायर 4, 18 का भी 4, 22 का 4, 28 का भी 4। ठीक है, सिमिलरली 3 और 7 में सेम कंफ्यूजन आएगा, 4 और 6 में सेम कंफ्यूजन आएगा कि 3 और 7 का स्क्वायर भी 9 में खत्म होता है, 4 और 6 का स्क्वायर 6 में खत्म होता है, बट 5 का स्क्वायर 5, और 5 का तो स्क्वायर निकालना बहुत आसान है, 5 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 5 का तो 5 ही है, बट कंफ्यूजन आएगा 1 या 9 में, 2 और 8 में, 3 और 7 में, और 4 और 6 में। आप बोलेंगे सर इसको याद कैसे रखें? देखो 1 2 3 4 6 7 8 9, ठीक है, 1 के साथ लास्ट वाला 9, 2 के साथ सेकेंड लास्ट वाला 8, 3 के साथ थर्ड लास्ट 7, 4 के साथ फोर्थ लास्ट 6। बात समझ में आया आपको? यहां तक आपको अगर बात समझ में आया ना, मैं आपको स्क्वायर रूट 2 मिनट में सिखा दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको पहले यहां तक समझ में आना चाहिए। ये बात समझ में आया कि नहीं मुझे बता दो, देख लो एक बार। अगर समझ में आया एक बार यस बोल दो तो मैं सोचूंगा कि आपको समझ में आ गया। यस, तो फिर हम लोग समझ में आ गया। ठीक है, देखो 1 का स्क्वायर भी 1 में खत्म होता है, 9 का स्क्वायर भी 1 में खत्म होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 में, 8 का भी 4 में, 3 का भी 9 में, 7 का स्क्वायर भी 9 में, 4 का स्क्वायर भी 6 में, 6 का स्क्वायर भी 6 में। तो अभी अगर मैंने आपको ये वाला स्क्वायर रूट निकालने दिया, आप मुझे रिप्लाई देना। ठीक है, देखो रिप्लाई देना नहीं तो ना समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लो मैं एक रैंडम नंबर उठा लेता हूँ, ये अगर मैंने इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालने दिया तो आप क्या बोलोगे कि सर इसका यूनिट डिजिट क्या क्या होना, क्या क्या हो सकता है, मुझे बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है, इस स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है? स्क्वायर रूट, डायरेक्ट स्क्वायर रूट बता मत देना, अगर आपको पता भी है डोंट टेल मी। ठीक है, आप मुझे सिर्फ यही बताओ कि यूनिट डिजिट क्या हो सकता है। बताओ यार, 2 और 8, करेक्ट करेक्ट, 2 और 8 हो सकता है, करेक्ट, क्योंकि लास्ट में 4 है, तो सर 2 का स्क्वायर भी 4 में खत्म होता है, और सर 8 का स्क्वायर भी तो 4 में ही खत्म होता है, 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे इसका जो यूनिट डिजिट है वो या तो 2 होगा या तो 8 होगा, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। तो अभी नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करो, अब ग्रुप बनाओ, ये दोनों का एक ग्रुप बनाओ, स्क्वायर रूट में हमेशा दोनों का ग्रुप बनाना, ये दोनों का और बाकी ये दोनों का। इस नंबर का काम मेरा हो गया, हो चुका है ऑलरेडी। आप मुझे एक चीज बताओ कि 84 जो नंबर है वो कौन सा दो नंबर का स्क्वायर के बीच में लाई करता है, कौन सा दो नंबर का स्क्वायर का बीच में लाई करता है 84? तो आप क्या करेंगे, छोटा वाला नंबर लेंगे, 9 लेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट या तो 92 होगा या तो 98 होगा। अभी आप श्योर नहीं है कौन सा होगा, 92 या फिर 98। ठीक है, श्योर होने के लिए क्या करूं, मैं 95 का स्क्वायर निकालूंगा,
95 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। आप मुझे बताओ तो 95 का स्क्वायर कितना होगा, बताओ। ये हमने सीखा है ऑलरेडी, 95 का स्क्वायर क्या कितना होगा बताओ। 9025, करेक्ट। भूल गए आप लोग, बाकी लोग देखो, मैंने आपको बोला था ना, 5 रहने वाला का स्क्वायर 5 इंटू 5 25, 9 इंटू 9 नहीं, 9 को पकड़ना है 10, 10 इंटू 9 90, तो 9025। तो 95 का स्क्वायर जो है वो 9025 है, तो मेरा जो नंबर है वो तो 9025 से कम है, 8464 तो 9025 से कम है, मतलब मेरा जो स्क्वायर रूट है वो 95 से कम ही होना चाहिए, तो 92 होगा। बात सही है, बात ठीक है ना। देख लो, 9025 तो 95 का स्क्वायर है, बट मुझे जो स्क्वायर चाहिए वो तो 95 से कम है, 9025 से कम है, तो मेरा आंसर भी तो 95 से कम आएगा ना, तो 92 आएगा। ठीक है, मैं आपको और एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, और एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। एट टू एट वन, इस नंबर का स्क्वायर रूट। आप अभी बोलेंगे कि सर इसका यूनिट डिजिट वन है, तो सर वन का स्क्वायर भी वन होता है और नाइन का स्क्वायर भी वन में ही खत्म होता है, तो इस नंबर का जो रूट है वो वन में ही खत्म होगा, नहीं तो नाइन में ही खत्म होगा, ये तो बात श्योर है। अभी बात है कि नाइन या वन किस में खत्म होगा, उसके लिए आपको क्या करना है, इसको दोनों को अलग करो, इन दोनों को अलग करो, ये देखो किसके बीच में लाई करता है। तो आप बोलेंगे सर ये नाइन स्क्वायर और टेन स्क्वायर के बीच में ही लाई करता है, तो आप छोटा वाला ले लो नाइन, तो 91 99, इसका जो स्क्वायर रूट है वो या तो 91 है या तो 99 है। तो आप डाउट क्लियर करने के लिए इन दोनों के बीच वाला नंबर 95, हमेशा 95, हमेशा 5 ही लेना है, क्योंकि 5 का स्क्वायर निकालना बहुत इजी है, 95 into 95 करना कोई बड़ा बात नहीं है, 5 into 5 25 और 9 into 9 नहीं 10 into 9 90, तो मेरा नंबर तो 9025 से कम है, तो मतलब मेरा जो स्क्वायर रूट है वो 95 से कम है, तो 91 है। अभी क्लियर हुआ कि नहीं बोलो मुझे, बताइए। कुछ डाउट है क्या आप लोग, आप लोगों को कुछ डाउट है तो पूछ लो यार। डाउट नहीं है ना निवेदिता, और ये ना आप लोगों को भी डाउट नहीं है ना, बोलो अगर डाउट है तो बोलो, मेरा काम है ना ये डाउट सॉल्व करने, मेरा काम है, आप बोलो। हेजिटेट मत करना कभी भी, ऐसा मत सोचना कभी भी, देखो आगे, अभी तो ये सब छोटा मोटा चैप्टर है, एरिथमेटिक में जब जाएंगे तब ट्रिकी क्वेश्चन आएगा, कभी समझ में नहीं आता है तो पूछना है, मतलब ये नहीं कि मैं, आप मुझसे दो बार पूछ लोगे तो मैं बुरा मान जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, दो तीन बार आप पूछेंगे, क्लियर है ना, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता एक्सप्लेन करने में। ठीक है, आप मुझे एक चीज बताओ, आप मुझे इसका स्क्वायर रूट निकाल के बताओ, आप निकालो, मैं जस्ट एक मिनट में आता हूँ। 3364 का
बताओ 3364 का स्क्वायर रूट बताइए। मेरा लैपटॉप चार्ज ही नहीं है, एक सेकेंड है। कितना है इसका आंसर? 58। ओके देखो मेरा लैपटॉप में एकदम भी चार्ज नहीं है, सो मुझे क्लास एंड करना पड़ेगा। ठीक है, एक ही टॉपिक बचा है, क्यूब रूट। क्यूब रूट को मैं नेक्स्ट क्लास में सिंपलीफिकेशन के पहले आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, क्यूब रूट बहुत आसान है, मतलब स्क्वायर रूट ही थोड़ा डिफिकल्ट है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या करना है, ये 4 में खत्म हुआ है तो 4 में बोलेंगे तो सर 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और सर 8 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो इसका यूनिट डिजिट या तो 2 होगा नहीं तो 8 होगा। तो अभी देखो 2 का ग्रुप बनाओ, ये 2 और ये 2। ये 2 किन दोनों नंबर के बीच में लाया जाता है? बोलेंगे सर ये 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर। 5 स्क्वायर 25 और 6 स्क्वायर 36। छोटा वाला लेना है 5 ले लो, 5 52 58। अब 55 का स्क्वायर निकालो, 55 into 55 कितना होगा? 5 5 जा 25, 5 5 जा नहीं 6 5 जा, 6 5 जा 30। तो ये नंबर तो 3025 से बड़ा है, तो मेरा स्क्वायर रूट भी 55 से बड़ा होगा, यानी कि 58 होगा। समझ में आ गया ना आप लोगों को स्क्वायर रूट? क्लियर है ना स्क्वायर रूट? बताओ।